मध्य प्रदेश के बेहतर विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अब मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछने वाला है। 21 जिलों में सड़कें ऐसी बनने वाली हैं जो ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह को बेहतर कनेक्टिविटी देगी, बल्कि मध्य प्रदेश में विकास की बयार भी बहती हुई दिखाई देगी। 20,000 करोड़ से भी लागत से ज्यादा की सड़क परियोजना मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है। क्या है ये परियोजना, किन जगहों पर होगा फायदा, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को तोहफे के रूप में इस बार सड़कें मिली हैं। एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसकी एक लाइन थी, अमेरिका जैसी सड़कें। ठीक वैसी ही सड़कें मध्य प्रदेश में अब बनने जा रही हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से सड़क परियोजना को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से 26 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिसके लिए 20,403 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन 26 सड़कों का निर्माण 21 जिलों में होगा। और ये भी आपको बता दें कि इस राशि से कुल 1,228 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक के कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। वहीं ये भी आपको बता दें कि इसमें से 612 किलोमीटर सड़कें NHAI बनाएगा। दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि मध्य प्रदेश के 21 शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे लोगों को ना सिर्फ आने जाने में आसानी होगी बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी इससे मिलेंगे। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किन सड़कों को मंजूरी मिली है। दर्शकों को बता दें कि झाबुआ रायपुरिया पेटलाबाद सैंक्शन हुआ है, जिसमें 50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। 650 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और ये रतलाम के लिए लोकल सेक्शन भी साबित होगा। वहीं बेरठा घाट जो कि NH 46 के अंदर आता है, इसमें इटारसी बैतूल सेक्शन में टाइगर कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 20 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में बदला जाएगा और लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा और ये भोपाल से बैतूल और नागपुर को जोड़ेगी। सलकनपुर नसरुल्लागंज बुधनी बाड़ी स्ट्रेच, जिसमें 41 किलोमीटर लंबे हिस्से को इंदौर जबलपुर कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा। वहीं बैतूल खंडवा सेक्शन जो कि NH 347B के अंतर्गत आता है, इसमें बैतूल से मोहदा और मोहदा से बाराकुंड तक 2 लेन प्लस पावर सेक्शन पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं सागर कानपुर सड़क का निर्माण होगा, जिसमें सतिया घाट से आंगोर गांव तक 55 किलोमीटर की ये सड़क 1006 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 44 किलोमीटर सड़कों को भी ये जोड़ेगी। वहीं ग्वालियर सिटी बाईपास को भी मंजूरी मिली है, जिसमें 29 किलोमीटर लंबी इस बाईपास पर 1005 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं ओरछा झांसी ग्रीनफील्ड हाईवे जो कि NH 26 और NH 76 को जोड़ेगा, इस लिंक की लंबाई 14 किलोमीटर होने वाली है। सागर बाईपास रोड, इसे 26 किलोमीटर लंबे बाईपास को लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं जबलपुर दमोह में भी सड़क निर्माण होगा, जबलपुर से दमोह तक 80 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 1700 करोड़ रुपए लगभग खर्च होंगे। इसके अलावा रीवा सीधी सेक्शन जो कि NH 39 का हिस्सा है, इसमें 30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 1500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सड़कें चमचमाने वाली है, मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछने वाला है। केंद्र सरकार से इन तमाम परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि सड़क निर्माण के बाद जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में लोगों को आवाजाही में आसानी होगी, व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, इसके साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। एमपी तक की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।